तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं इफ कंडीशन के इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो इंटरव्यू क्वेश्चंस में हम यहाँ पे आते हैं और इसमें समझिए कि क्या क्वेश्चंस क्या है। तो इसमें जो क्वेश्चंस है कि एक सबसे पहले समझिए इसका स्टोरी, समझिए स्टोरी क्या है। स्टोरी ये है कि एक बिल्डर है, वो फ्लैट बनाता है और बेचता है, फ्लैट बनाता है और बेचता है। तो क्या होता है, जब फ्लैट बनाना शुरू होता है, जब उसको अप्रूवल वगैरह मिल जाता है, बनाना शुरू करता है, तो वो फ्लैट की बुकिंग लेता है। और बुकिंग में कंडीशन ये है कि वो 5 फ्लोर तक का ही बुकिंग लेता है, क्योंकि उसको 5 फ्लोर तक का ही बुकिंग लेने की राइट दिया गया है। और जो भी बुकिंग अमाउंट होगा वो उसकी प्राइस, जो फ्लैट की प्राइस का 10% होगा। होता है क्या है, कभी कभी हम कुछ जो कस्टमर्स होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे अभी फंड्स पूरा नहीं है। जैसे मान लीजिए इस कस्टमर ने बोला कि भाई 2.5 लाख रुपये आपका बुकिंग अमाउंट होता है, तो मैं 2.5 लाख मेरे पास अभी तो नहीं है, मैं अभी आपको 1.5 लाख दे देता हूँ और कुछ दिनों में मैं आपको 1 लाख अरेंज करके दे दूँगा, मेरी बुकिंग कन्फर्म कर लीजिए। बिल्डर बोलता है ठीक है, आप मैं आपकी बुकिंग कन्फर्म कर लेता हूँ, आपका जो 1 लाख रुपये बकाया रह गया है उस 1 लाख रुपये को आप 20 महीने के अंदर में दे दीजिएगा। अगर 20 महीने 20 मंथ के अंदर में दे देते हैं तो आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट या पेनल्टी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कस्टमर 20 महीने तक पैसा नहीं देते हैं तो उनको 20 महीने के बाद जब भी वो पैसा जमा करने आएंगे तो उनको जितना महीना लेट होगा उतने महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे किसी बंदे ने मान लीजिए कि उसका 50,000 रुपया बकाया था और 50,000 रुपया हो 25वें महीने देने आया तो 50,000 रुपये का 5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो कंडीशन ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 70% ईयरली है, फ्लोर 5 से नीचे होना चाहिए, बुकिंग अमाउंट 10% से कम होना चाहिए और डिफरेंस 20 महीना से ज़्यादा होना चाहिए। तो स्टोरी समझ में आ गया आपको? तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। एक बिल्डर है, वो अपनी फ्लैट बना के बेचता है, फ्लैट जब बनाना शुरू करता है तो बुकिंग लेता है, ठीक है ना, कि भाई फ्लैट बना नहीं है पर आप बुक कर लीजिए, फ्लैट आपका होगा नक्शे के हिसाब से। तो बुकिंग लेने के लिए लेते समय वो अपनी फ्लैट की प्राइस का 10% बुकिंग लेता है। आपको अगर फ्लैट बुक करना है या ए विंग के सी 25 नंबर फ्लैट बुक करना है तो आपको उसकी प्राइस का 10% आपको देना होगा। बट प्रॉब्लम क्या है, कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो कि इनके पास पैसे की प्रॉब्लम होती है तो 10% नहीं दे पाते हैं, तो उनको बिल्डर बोलता है कि आप 20 महीने तक जो बकाया अमाउंट है उसको दे सकते हो, 20 महीने से जितना महीना आप लेट करोगे उतने महीने का हम इंटरेस्ट लेंगे। तो 17% ईयरली इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन हम बुकिंग जो लेंगे वो 5 फ्लोर से नीचे तक का लेंगे और बुकिंग अमाउंट 10% से जो कम होगा उसका हम ब्याज लेंगे, और जो ब्याज लेंगे वो 20 महीने से जो ज़्यादा होगा वो होगा। तो इस पर हम सबसे पहले निकालेंगे प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल होगा 25% इसका, 25% सॉरी माफ़ कीजिएगा 25 लाख का 10%। तो 10% कितना आया, आपको 2.5 लाख आया, लेकिन 2.5 लाख में वो 1.5 लाख दे चुका है, तो इसमें से हम माइनस करेंगे 15,000, तो 1 लाख आया। अब बात आता है रेट, तो रेट हमारा 17% ईयरली है, तो 17% डिवाइड बाय 12 तो मंथली निकल गया हमारा, कि मंथली परसेंटेज निकल गया। अब बात करते हैं टाइम की, तो टाइम जो है हमारा, अब यहाँ पे देखिए दो टाइम को दो तरह से लगा सकते हैं। एक टुडे, टुडे क्या करता है, करेंट सिस्टम डेट देता है माइनस ए, तो आपको नंबर ऑफ डेज में जो है डिफरेंस निकाल के देगा 2732 दिन। अब इसको आप एवरेज 30 महीने से डिवाइड कर दीजिए, 30 दिन से, महीने के 30 दिन से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपका महीना निकल गया
91 मंथ, समझे? छः सात सात सेवन मल्टीप्लाई बाय नहीं 84 नहीं 2014 ये थोड़ा सा गड़बड़ होगा, मतलब कि एग्जैक्ट नहीं निकलता है कि 91 मंथ जो निकला वो एग्जैक्ट नहीं निकलता है। तो एग्जैक्ट अगर आपको निकालना है तो आपके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है डेटेड इफ में आप स्टार्ट डेट और एंड डेट में मैंने टुडे लगा दिया और हमने बोला कि इसको मंथ में मुझे दो, तो एग्जैक्ट 89 मंथ आपको दिखा दिया कि 89 मंथ हुआ। बट 89 मंथ तो है लेकिन मुझे तो 20 महीने के बाद से चाहिए, तो इसमें से माइनस 20 हम कर देंगे तो यहाँ हमारे पास रिजल्ट आ गया 69 मंथ। अब मुझे इसका इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया 97। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे होता 2014 नहीं, मान लीजिए होता 2020, तब तो ये माइनस में आया, 3 महीना इसका बचा हुआ है, फिर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होनी चाहिए क्या सर? तो इंटरेस्ट जो हमने कैलकुलेट किया है उसमें यहाँ पे कंडीशन देना है कि इफ ए होना चाहिए ग्रेटर देन 0 और जो फ्लोर है वो फ्लोर होना चाहिए लेस देन, यहाँ पे एन लगा दीजिए, माफ कीजिएगा, एन सबसे पहला कि फ्लोर लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए और जो प्रिंसिपल है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और जो टाइम है वो टाइम भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो रिजल्ट ट्रू आया तो इसमें हमें ऐसा हुआ तो हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट प्रिंसिपल रेट एंड टाइम अदरवाइज 0। कॉमा लगा हुआ आया, किसको हटा नहीं सो इधर आएगा। तो जैसे ही डेट अगर मान लीजिए मैं 2019 का करता हूँ तो 2019 का देखिए 9 महीने का इंटरेस्ट 12,750 आ गया और जैसे ही मैं बुकिंग अमाउंट मान लीजिए मैं 3.5 लाख दे देता हूँ तो ये देखिए 0 हो गया। अगर मैं बुकिंग और पूरा अमाउंट दे देता हूँ यहाँ पे 25,000 फिर भी यहाँ पे इंटरेस्ट 0 हो गया। क्लियर सर? बट मुझे क्योंकि इस मुझे तो एक का नहीं, इसे बहुत सारा डेटा है ना सर, तो मुझे यहाँ एक सेल में लगाना है तो उसके लिए क्या कीजिए, आप इस फॉर्मूले को कॉपी कीजिए और इस फॉर्मूला को मर्ज कर दीजिए। इसको कॉपी किए और ये क्या है C5 4 और जहाँ हमारा C4 है उसके जगह पे इन द ब्रैकेट C4 का फॉर्मूला पेस्ट कर दीजिए। अब C4 को डिलीट किया जा सकता है, उसके बाद यहाँ इसको फॉर्मूला कॉपी कीजिए और जहाँ C5 है, जहाँ भी C5 है C5 के जगह पे C5 का फॉर्मूला एक मिनट कंट्रोल जेड करने दीजिए। हाँ ए C4 दो जगह है ना, दो जगह डालना पड़ेगा हमें, इसकी फॉर्मूला कॉपी किया और C4 एक यहाँ भी है तो इन द ब्रैकेट हमको यहाँ भी पेस्ट करना पड़ेगा। अब इस पर क्लिक करके देखिए C4 किसी से लिंक नहीं है तो C4 को डिलीट किया जा सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे C5, तो C5 को कॉपी कर लिए। अब देखिए C5 कहाँ कहाँ है,
तो C5 सी जगह पे है, तो ब्रैकेट में C5 की जगह पे C5 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। अब देखिए C5 किसी से लिंक है, नहीं है लिंक, तो C5 को डिलीट किया जा सकता है। अब यहाँ पे आता है C6। अब C6 को हमने सेलेक्ट करके कॉपी किया और यहाँ जहाँ C6 है वहाँ पे C6 की जगह पे C6 का फॉर्मूला मैं यहाँ दे देता। अब C6 को डिलीट किया जा सकता है। इस फॉर्मूले को कट कीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए, कट करके डालिए, बाकी डिलीट मार दीजिए। अब नीचे जो भी डेटा आएगा उसको आप इजीली आप ड्रैग कर सकते हैं। तो ये था हमारा इफ के इंटरव्यू क्वेश्चन का 11 नंबर क्वेश्चन, और मुझे आशा है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो जितेंद्र जी, मैरू जी, सुरवीर जी, कुछ पूछना चाहते हैं? एक बार आपको करेंगे अपने डेटा पे, ठीक है? हाँ, उसको एक बार देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, कल से हम टेक्स्ट फॉर्मूले को शुरू करेंगे। आज की रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में आपको भेज देता हूँ, डेट्स भेज दीजिए, मैं कल दिन में निकाल के देता हूँ। तो YouTube देखा किस तरीके से मेरे साथ कुछ लोगों ने क्लासेस लिया, आप भी मेरे साथ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जूम के थ्रू। तो फटाफट मेरी वेबसाइट iptindia.com को लॉगिन करें और इसके रिकॉर्डेड क्लास के लिए मेरी ऐप को डाउनलोड करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। Thank you.